चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 7th ऑफ फेब का, जो कि ट्यूसडे का दिन, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के कौन से लेवल इंपोर्ट रहेंगे इस वीडियो में देखने वाले। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो कहाँ पे हो सकती है सारा मार्केट का व्यू यहाँ पे देख लेंगे। जिन लोगों ने तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और यहाँ पर अगर देखे तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्या क्या अपडेट्स देते मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, मॉर्निंग में ही मैंने आपको दो लेवल दिए थे। तो मॉर्निंग में कौन से दो लेवल दिए थे यहाँ पे देख सकते हैं। 41,530 का जो लेवल है, 41,530 का, अगर बैंक निफ्टी सस्टेन रहता है तो एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे 41,480 के नीचे निकलता तो एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन इस अंदर अगर आप ट्रेड किए तो आप फंस सकते हैं। उसके बाद में हमें निफ्टी के लिए 780 और 830 का रेंज दिया था, 830 के ऊपर गया, लेकिन 780 के नीचे आया तो एक बढ़िया मोमेंटम डाउनसाइड में देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 780 के जैसे नीचे आया तो मार्केट एक डाउनसाइड के लिए रैली करता हुआ देखने को मिला। उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पे अपडेट्स दिए थे, इनसाइड कैंडल भी बन रहा था, मार्केट साइडवेज हो रहा था उसी कैंडल के अंदर। जैसे यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है 780 के लिए, यहाँ पे हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल को सपोर्ट लेते हैं, मार्केट ने अच्छा सा रिकवरी भी दिया। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको आपको बताया था। उसके बाद में यहाँ पे 41,800 का सी मैंने 380 का लेवल दिया था। यहाँ पे 380 का वो अगर जाता है तो एक बढ़िया मोमेंटम कर सकता है। तो जिन लोगों ने चार्ट देखकर भी यहाँ पे कुछ ट्रेड किया होगा तो उनको अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा, कि 380 का एक अच्छा सा मोमेंटम दे दिया। 380 से ऑलमोस्ट 450 तक यहाँ पे, तो 70 पॉइंट्स यहाँ पे एक मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को। उसके बाद में जो एस्ट्रो टाइम था, एस्ट्रो टाइम के हिसाब से भी देख सकते हैं, 10:40 से एक मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद 2 बजे के बाद एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिला। तो इस तरह के एस्ट्रो टाइम से सब कुछ अपडेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जल्दी से, तो आपको सब कुछ अपडेट मिलेंगे। चलिए कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा निफ्टी का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 17,764 पे, एडवांसेस में 16 देखने को मिल रहा है, डिक्लाइंस में 34 देखने को मिल रहा है। तो डेली कैंडलस्टिक में अगर निफ्टी देखे तो निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है, तो मैंने क्लियर कट बोला जो कि बजट का जो डे उसका हाई और उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर रहते तो मार्केट साइडवेज रह सकता है। उसके बाद में अगर देखिए तो अभी भी फिर से यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, देखो मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया जो कि डेली कैंडलस्टिक में। अगर समझो कल अगर यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन मिलता है, देखो जो कि 850 या जो कि आज का है जो कि 17,800 का, तो इसके ऊपर सस्टेन करते तो एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और नीचे की तरफ मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। प्राइस एक्शन अगर देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन खींचो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो एक डाउनसाइड का मोमेंटम हो सकता है। लेकिन 17,700 देखो, 17,700 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है और इसके नीचे निकलता है जो कि 17,680, देखो 17,680 के नीचे निकलता है, 17,700 के नीचे आता है, तभी एक सेलिंग का प्रेशर के लिए मैं खड़ा रहूंगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखो 17,800 देखो 17,800 क्या बहुत सस्टेन करता है मार्केट, तो मैं कल के लिए बुलिश साइड व्यू रखूंगा। देखिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर देखें तो यहाँ पे जो लो पे शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है और मेरे लिए 17,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,800 क्या बहुत निकलता है तो ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,870 और उसके बाद में 900 का लेवल रहेगा, 900 क्या बहुत निकलता है तो और मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ओआई डेटा देख लेते हैं जो कि ऑप्शन चेन डेटा है, तो ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 9th ऑफ फेब के लिए क्या देखने को मिल रहा है, 17,800 का जो लेवल है यहाँ पे पुट साइड में 58,000 ओआई देखने को मिल रहा है, कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओआई देखने को मिल रहा है। लेकिन कल अगर रेजिस्टेंस जो कि कल का हाई, तो कल के हाई के नियर बाय मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और उसका जो लो है तो उसके लो को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जो पिछला डे है उसके लो को मार्क देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पिछले डे का हाई और लो। सो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकते हैं। जो कि बजट डे का हाई वहाँ पे उसने अभी तक उसको कट नहीं किया तो पहले उसको मार्क कर देंगे। तो चलिए उसके बाद में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बिल्डअप हो रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो मार्केट पूरा साइडवेज था, नीचे की तरफ मेरे लिए 41,000
200 का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखें तो जो 380 का लेवल है, 380 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 41,500, चलिए इंपॉर्टेंट लेवल। मैंने आज भी दिया था, अगर कल 41,530 के अपर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट 41,600 और 41,000 यहाँ पे 800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 41,800 के अपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे 41,800 के अपर सस्टेन करते हैं तो ऊपर की तरफ के लेवल देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे 720 का रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन 530 के अबव अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, 41,530 के अबव सस्टेन रहता है तो मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम कर सकता है। 380 के नीचे निकलता है, देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, यहाँ इसी रेंज में ओपन अगर नीचे की तरफ निकलता है तो 41,200 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा और 41,200 के नीचे यहाँ पे 41,000 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। प्राइस एक्शन हिसाब से अगर देखे तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो यह सिमेट्रिकल ट्रायंगल को किस साइड ब्रेक करता है उसके बाद रिटेस्ट में एक अच्छा सा एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे देख लेंगे जो कि बैंक निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी के लिए मेरे लिए 41,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 41,500 के लेवल पे अच्छा सा कॉल राइटर देखने को मिल रहा है, पुट राइटर अगेंस्ट, लेकिन नीचे तरफ 41,200 के अब यहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। 41,200 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क करेगा, 41,500 रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। जब भी 41,530 देखो मैंने जो लेवल बताया 41,530 के अब सस्टेन करते हैं तभी एक अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए उसके बाद में फिन निफ्टी देख लेते हैं, जो फिन निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपोर्टेंट है। डेली कैंडलस्टिक में फिन निफ्टी क्या है, फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पे जो पिछला डे का हाई इसके ऊपर निकलता है और जो कि आज के हाई के ऊपर भी निकलता है तो एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। फिन निफ्टी में रेड कैंडल तो है लेकिन 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट, नीचे की तरफ सपोर्ट अगर देखें जो कि 18,200 का देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ जो कि 400 का जो लेवल है, यहाँ पे 400 का लेवल रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा और जो कि 18,500 का लेवल है। तो चलिए यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आना है मार्केट को, यहाँ पे 280 का सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट 280 के नीचे निकलता है तभी बेरिशनेस देखने को मिल सकता है और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को यहाँ पे कल मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक साइडवेज जोन है, यहाँ पे जो नीचे की तरफ बैंड रहेगा, सो नीचे की तरफ अगर स्विंग लो है जो कि 300 का लेवल है, 300 के नीचे एक स्मॉल सेलिंग के लिए प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो कि 400 का लेवल है, यहाँ पे जो 400-430 का लेवल है इसके ऊपर निकलते थे एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो फिन निफ्टी का भी एक बार ऑप्शन चेन डेटा आपको एक बार दिखा लेता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत दिनों के बाद फिन निफ्टी का, चलिए फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा नहीं देखने को मिल रहा है तो फिन निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया। जिन लोगों ने तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, इस तरह के एनालिसिस और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।